हेलो दोस्तों, आज हम आपको स्टाइल बनाने का तरीका बताएंगे जो कि पहले टूल्स में इनबिल्ट होता था स्टाइल स्टिचेस के नाम से। अब ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर में स्टाइल नाम के इस मोटिफ में होता है। इसे मोटिफ या स्टाइल भी कहते हैं, मोटिफ भी कहते हैं, स्टाइल भी कहते हैं। मोटिफ और स्टाइल का मीनिंग ये होता है कोई एक छोटा पार्ट जो बार बार रिपीट करता है उसे स्टाइल या मोटिफ कहते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, F3 प्रेस करके मैंने S दबाया, ये शेप टूल आ गया है। यहाँ से मैंने एक स्टार लिया, स्टार का पॉइंट बना के, फाइव पॉइंट का स्टार बना सकते हैं, 10 जितने मर्जी पॉइंट का स्टार बना सकते हैं। दोबारा दिखा रहा हूँ मैं, F3 प्लस S से मैं यहाँ स्टार में आया। और कितने पॉइंट का मुझे स्टार बनाना है, मुझे 13 पॉइंट्स का स्टार बनाना है। मैंने 13 पॉइंट्स लिख दिया, 13, और एक पॉइंट्स का स्टार मैंने यहाँ पर क्रिएट जनरेट कर दिया। इस स्टार को जनरेट करने के बाद में हम यहाँ से स्टिचेस ओपन करेंगे जिससे कि हमें पता लगे हमने स्टिचेस कहाँ कहाँ पे मारे हैं। तो पहले सबसे पहले हमें इसका साइज़ करना है। साइज़ देख सकते हैं 12 बाई 12 mm का, 12 mm बहुत बड़ा होता है, हम इसे 6-7 mm का लेके चलते हैं। तो हम इसके साइज़ में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रीसाइज में जाएंगे, और यहाँ हमने प्रोपोर्शनल स्केलिंग को ओपन किया और यहाँ पर 12 mm की जगह मैंने 6 mm कर दिया। तो अपने आप ही यह 5 mm कर दिया, तो ऊपर भी 5 mm और नीचे भी 5 mm ऑटोमेटिकली हो जाता है। अप्लाई किया मैंने इसको, छोटा हो गया। यहाँ पर ये अंदर भी टांके मार रहा है और ये छोटे छोटे टांके भी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, छोटे टांकों का मीनिंग है फिक्स एंड लॉक, जो कि यहाँ से हमने फिक्स एंड लॉक डाला हुआ है। तो फिक्स एंड लॉक को मैंने नन कर दिया, तो छोटे छोटे टांके भी हट गए इसमें से। अब ये छोटे टांके जो आ रहे हैं, हमने इसका जो साइज़ बनाया है वो 5 mm का बनाया है और हमने लेंथ इसकी रखी हुई है 2.5 mm। तो 2.5 mm पे अपने आप एक एक टांका ड्रॉप करके मशीन चल रही है। इसको चला के भी देख सकते हैं आप, इसको चला के आप देख सकते हैं। यहाँ से आपने होम किया, इसको अप्लाई किया, एक एक टांका आपने चला कर यहाँ देखा, आप एक एक टांका मशीन मार के जा रही है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि टांका मशीन मार के जा रही है, तो हमें ये छोटा टांका नहीं चलाना क्योंकि 5 mm का ब्लॉक है। तो 2.5 mm पे इसने अपने आप ही ऑटोमेटिक एक टांका ड्रॉप कर दिया। हम इस टांके को भी 5 या 6 mm डाल देते, 5.0 कर देते, तो बीच के सारे टांके भी आप देख रहे हैं हट गए। अब हम इसका स्टार्ट एंड पॉइंट डालेंगे स्टाइल बनाने के लिए। स्टार्ट मैंने एक तरफ डाला, एंड दूसरी तरफ डाला। दोनों पॉइंट्स डालने के बाद में आप राइट हैंड साइड का माउस का बटन दबाएंगे और यहाँ से टू स्टाइल करेंगे। जैसे आप टू स्टाइल करते हैं, स्टाइल नंबर होता है, अपना नाम भी, अपना सेल्फ नेम भी रख सकते हैं कुछ, स्टार, जैसे मैंने यहाँ स्टार नेम डाल दिया पूरा और ओके कर दिया। अभी आप देख पाएंगे कि यही मोटिव यहाँ पर स्टार के नाम से आ जाता है। अब इस स्टाइल को मुझे कहीं पर डालना है, मुझे समझ लो कोई नेक बनाना है, मैं एक नेक का एक डिज़ाइन पैटर्न बनाता हूँ। ए प्रेस किया, इसको सेंटर में ले आया 0-0 को, और यहाँ से मैंने F3 से एक पॉइंट मारा, एक पॉइंट यहाँ मारा, एक पॉइंट यहाँ मारा, और एक पॉइंट मैंने यहाँ मारा, इस पॉइंट पे कर दिया। तो आप देख पाएंगे कि ये मैंने एक लाइन बनाई है, उसका स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ रखा, इस पॉइंट पे रखा, और एंड पॉइंट इस यहाँ रखा। यानी स्टार्ट का मतलब ये है कि वो यहाँ से बनता हुआ डिज़ाइन जाएगा और यहाँ जाके ख़त्म करेगा। आप देख भी सकते हो, ये देखिए, ये ऐसा चलता हुआ जाएगा एक टाँका और यहाँ जाके ख़त्म करेगा। और लेंथ कितनी रखी हुई है, 5 mm की, तो 5 mm का हमने इसमें सेलेक्ट कर दिया, या 5 की बजाय मैंने इसमें 4.0 mm का एक स्टार जनरेट डाल, मतलब लेंथ डाल दी इसकी टोटल। और मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने स्टाइल जो मैंने बनाया था उसको मैंने यहाँ फिल कर दिया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूरा स्टाइल एक बार में बन गया। प्रीव्यू से चला के आप देख भी सकते हैं कुछ इस टाइप का स्टाइल बन जाता है। ऐसे ही हमें इसके नीचे का हिस्सा बनाना है। अब मैं इसको कोई डिज़ाइन के रूप में बना देता हूँ। मैंने पी दबाया, पी प्रीव्यू हो गया। अब मैं इसको एक स्टाइल बना रहा हूँ, पहले आधा स्टाइल बनाऊंगा। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को लिया, यहाँ से डिलीट कर दिया दोस्तों, और इसका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट मैंने यहाँ कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करके राइट हैंड साइड की माउस की कमांड हम आपको कल बताएंगे दोस्तों, ये सारी कमांड्स। आप एक दिन का वेट और कीजिए, या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका क्लियरेशन करेंगे। अभी मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ, वो देखिए, और फिर इसको करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर में आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे हम ऐड सेक्शन करते हैं। ऐड सेक्शन का मतलब होता है इसके आगे हम कोई पार्ट को जोड़ना चाह रहे हैं। तो मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक मैंने इस तरह से स्टाइल बना दिया, आप देखेंगे, और इसका एंड पॉइंट मैंने नीचे कर दिया, आप देखेंगे यहाँ से बनता हुआ इधर चला गया। ऐसे ही दोस्तों मैंने कोई एक और स्टाइल बनाया है यहाँ पर, इसके सेंटर से इधर रखा, इसके इस पॉइंट पर करा, इसी के साथ साथ में मैंने
इसको टर्न कर दिया, सेकंड स्टाइल बना दिया यहाँ पर। यहाँ पे दोस्तों मुझे दूसरा स्टाइल चाहिए, अभी यहाँ पे स्टार बन रहा है, यहाँ स्टार की बजाय मुझे कुछ और चाहिए, तो मैं यहाँ जाऊँगा, इसको न्यू करके भी मैं इसमें बना सकता हूँ। यहाँ से न्यू करेंगे तो ये स्टाइल एडिटर खुल जाएगा दोस्तों। इसमें बने हुए डिज़ाइन भी आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि ये स्टार बना हुआ है, इसमें आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ जाके एडिट पॉइंट पे करेंगे तो एडिट का पॉइंट खुल जाएगा। इसको आप छोटा बड़ा ऊपर नीचे जो करना चाहें वो कर सकते हैं। नया स्टाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू से करेंगे। अभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप इस डिज़ाइन को देखिए, उससे आपको काफ़ी चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से डिज़ाइन बनता है। यहाँ पर मुझे कुछ इस टाइप की चीज़ बनानी है, मैं यहाँ पर एक ये ब्लॉक बना रहा हूँ। अभी मैं इसका आपको क्लियर भी करूँगा कि ये पॉइंट कैसे और किस तरह से बन रहे हैं। इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिया और यहाँ मैं दूसरा स्टाइल बना रहा हूँ मिलता जुलता इससे। दूसरा पॉइंट मैंने ये ले लिया, इसको मैं सेंटर करके पूरा उसको मिला देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक स्टाइल बना दिया। इसके अलावा भी मैं इसमें कुछ, इसमें एक स्टाइल और बना रहा हूँ। विंग्स के अंदर एक खासियत है दोस्तों, दो मोटिव, चार मोटिव, 99 मोटिव तक एक ही रो में आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने न्यू पैटर्न किया, न्यू फ्रेम, और यहाँ पर मैं दूसरा पैटर्न बना रहा हूँ दोस्तों। देख पाएंगे आप इसको, इसे ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर के बाद मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगा। इसी वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे आपको कि ये स्टाइल कैसे और कब और कहाँ कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो चीज़ें रिपीटेशन होती हैं, रिपीट बनती हैं, यानी कि कोई चीज़ आपने को एक ब्लॉक बना हुआ है बार बार नज़र अगर आपको आ रहा है तो आप उसको स्टाइल से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों ये बन गया एक मोटिव, और एक मोटिव दोस्तों मैं इसमें और डाल रहा हूँ कि जिससे कि ये आइडिया हो जाए कि आपको कि हाँ भाई इसमें मोटिव भी कई तरह के बन सकते हैं। ये मैंने तीन मोटिव बना दिए दोस्तों, ऐसे 99 मोटिव तक भी इसमें आप बना सकते हो। ये मैंने तीसरा मोटिव बना दिया, ऐसे तीन मोटिव्स बन गए दोस्तों। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसका नाम मैंने इसमें सेव कर दिया, तो ये हमारा मोटिव दूसरा बन गया। अब मुझे इसके बाद में एक लाइन और बनानी है, इसको ऑफसेट भी कर सकते हैं दोस्तों अगर हम चाहें तो, लेकिन मैं आपको ऑफसेट करना भी नहीं बता रहा हूँ। या हमें इसको ज्वाइंट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, सिंगल मोटिव हो जाएगा। अब इसको मैंने तीसरे पॉइंट को लिया, इसको मैंने चेंज कर दिया, कलर भी चेंज कर देता हूँ इसका। इसको सिलेक्ट करके मैं आगे ले जाता हूँ, कॉपी पेस्ट किया, माउस के बटन दोनों दबा के स्क्रीन पे उठा के इसको मैं तीसरा मोटिव बना रहा हूँ दोस्तों। अगर जब अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए या इसके लिए कोई हो तो आप इसमें मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं वीडियो को और अपने वीडियो को सुधारूंगा। और ज़्यादा मैं इसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उससे क्या समय ख़राब होता है। जो गूगल्स की ऐड आती हैं दोस्तों वो तो मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि वो तो आएंगी आएंगी, इसमें उनको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब अपनी तरफ से कोई, मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा मतलब क्रिटिकल नहीं कर रहा इस चीज़ को, बिल्कुल आराम से मैं आपको बना के दिखाता हूँ दोस्तों। ये मैंने आपका ये बना दिया और इसका एंड पॉइंट भी मैंने यहाँ कर दिया। तो अभी क्या है दोस्तों कि पहले हम ये बनाना चाहते हैं। अब मैंने आपको फिल्म बार के बारे में बताया था, स्टाइल सीक्वेंस मैनेजर के बारे में हमने इसको ओपन किया। पहले मैं ये बनाना चाहता हूँ, फिर मैं ये बनाना चाहता हूँ, तो ये बनता हुआ यहाँ इस तरफ ख़त्म करेगा तो इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ होना चाहिए, लेकिन मैंने इस एंड पॉइंट इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ ना रखे ऊपर रखा। तो अब मैं इसको ओके करके दिखा रहा हूँ आपको। मैंने इसको ओके किया, मुझे सेम पैटर्न आगे भी चाहिए ऐसे पूरा गला बनाने के लिए। तो मैं इसमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में गया, सॉरी ट्रांसफॉर्म में गया। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद मैंने एक्स मिरर करके डुप्लीकेट फ्रेम किया, डुप्लीकेट फ्रेम करके इसका एक रिपीटेशन बन गया डुप्लीकेट। अब मैं इसको कंट्रोल दबा के मैं इसको यहाँ उठा के ले आता हूँ इसके सामने में। आप देख सकते हैं एक नेक पूरा बन रहा है, क्योंकि मेरे पास वीडियो के लिए एक मांग आई थी कि जिससे कि मैं पूरा वीडियो उनको इस तरीके से बना के दिखाऊँ, डिज़ाइन पूरा बना के दिखाऊँ दोस्तों। तो मैं आज ये डिज़ाइन ही बना के दिखा रहा हूँ। इस दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, इस और इस पार्ट को सिलेक्ट किया कंट्रोल दबाकर, और कंट्रोल जे किया। कंट्रोल जे करने से ज्वाइंट होता है, चाहे तो आप इधर से कंट्रोल जे भी कर सकते हैं। इसको मैंने ज्वाइंट कर दिया और इस पॉइंट को भी पकड़ के मैंने कंट्रोल जे कर दिया। यहाँ पर कंट्रोल जे भी कर सकते हैं, यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो मैंने एक पॉइंट बना दिया इसको। इसी तरह से दोस्तों मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको दबाया और कंट्रोल जे कर दिया, इसको भी कंट्रोल जे करके, और नीचे वाले पॉइंट को भी मैंने इसके सिंगल पॉइंट कर दिया, कंट्रोल जे कर दिया एडिट करके। इसी तरह से दोस्तों मैंने इसको और इसको भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल
इसको भी दबाया, कंट्रोल जे किया, कंट्रोल जे करने के बाद में मैंने इसके अंदर में इसको दबाया, कंट्रोल जे किया, एक पॉइंट हो गया। आप देख पा रहे हैं इससे पूरा डिज़ाइन नेक का बन गया। फिर हमने इसमें एडिट में गए और स्टार्ट एंड पॉइंट, जहाँ से हमें इस पूरे डिज़ाइन का स्टार्ट एंड पॉइंट चाहिए वो मैंने डाल दिया। मेरे को इसका सेंटर चाहिए होता है क्योंकि कुटके से, यानी कि जो हम फर्मा बनाते हैं उसके सेंटर से हमें डिज़ाइन स्टार्ट करना होता है, तो हमने यहाँ रख दिया। अब मशीन इस 0-0 के नीचे ही आपको डिज़ाइन बनाएगी। तो आप देख पा रहे हैं एक पूरा का पूरा नेक बन गया है इसके अंदर में। दोस्तों यही मोटिव होते हैं बता, मतलब ये डिज़ाइन बनाने का रीज़न ये है कि आप इसे समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ कि डिज़ाइन में हम मोटिव का यूज़ क्या करते हैं। तो ये ही मोटिव का यूज़ है दोस्तों, कि हमने एक ही मोटिव बनाया, विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर हमने एक डिज़ाइन को तैयार किया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे, आप ये मोटिव बनते कैसे हैं आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने इसको ओपन किया, ये न्यू है, न्यू करने पे ऐसे करके एक न्यू फ्रेम आ जाता है जिसे स्टाइल स्टिचेस कहते हैं। दोस्तों अगर पुराने वर्जन किसी ने चलाए होंगे विंग्स के 2.5 या 1.5 या फिर इससे ऊपर के 2.1, ये अगर वर्जन किसी ने चलाए होंगे तो वो टूल्स में अवेलेबल होता है दोस्तों। पुराने वर्जन में अगर आप देखेंगे तो इस टूल्स के अंदर में, यानी कि इस टूल्स को ओपन करने पे यहाँ स्टाइल स्टिचेस आता था, जो कि अब यहाँ पर नहीं है, अब स्टाइल स्टिचेस यहाँ पर है। तो न्यू करने पे आपको एक ऐसी स्क्रीन खुलती है, न्यू करने पे ऐसी स्क्रीन खुलती है दोस्तों। इसमें सबसे पहले सेव, जिससे कि कोई भी आप डिज़ाइन बनाएंगे उसको सेव कर सकते हैं। ये है इंसर्ट पॉइंट, इंसर्ट पॉइंट का मतलब जब आप इस पॉइंट को क्लिक करते हैं या इस बटन को क्लिक करते हैं तो ये दो स्टिचेस में ऑलरेडी दिए होते हैं, यानी कि पहला स्टिच जहाँ से बनना शुरू होता है, एंड स्टिच उस ऑब्जेक्ट का या उस मोटिव का लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट ये है। ये फिक्स होते हैं दोस्तों, इनको हम बदल नहीं सकते। इसमें हमने सबसे पहले हम इसमें यहाँ से मोटिव लेते हैं, ये हमने इसका सेंटर पॉइंट से इंसर्ट पॉइंट उठाया। इसका मीनिंग होता है कि हम इससे कोई भी चीज़ बना सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पर कोई स्टाइल बना के दिखा रहा हूँ। ये मैं एक स्टाइल बना रहा हूँ छोटा सा, इसमें ग्राफ की तरह चल रहा है दोस्तों। तो आराम से आप इस चीज़ को समझते हैं कि ग्राफ को कैसे बनाना है, बिल्कुल आसानी से एक उसका मिरर चीज़ समझते जाइए और अपना ग्राफ को रेडी करते जाइए दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे रखकर मैंने अभी इसको दोबारा उठाया, इसमें मुझे एक पॉइंट मार के चलना है दोस्तों। ये मैंने एक नया मोटिव बनाया, इस मोटिव को और भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। हमने इसको लिया, ये यहाँ प्लग कर दिया इसको, एक छोटा सा पॉइंट कर दिया, और ऐसे ही हमने इसके आगे यानी कीबोर्ड से भी हम इस टाँके को चला के देख सकते हैं। कीबोर्ड में एरो के मार्क होते हैं, इनसे आगे हम पीछे इसको करके देख सकते हैं। इसको करा मैंने, ये बना दिया ऐसे ही दोस्तों। इसको पकड़ा, यहाँ से इस पॉइंट को लिया, इस पॉइंट को लिया दोस्तों, एरो दबाया, आगे आ गए। आगे जाने का मतलब हम पिछले टाँके को उठा के एक बार चेक कर रहे हैं। इसी तरह इस पॉइंट को किया दोस्तों, मैंने यहाँ एक पॉइंट दबाया, इसी तरह से इसमें आकर मैं इधर आ गया, इस पॉइंट को शिफ्ट करके मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। इसी तरह से दोस्तों मैंने इसको एक छोटा सा फ्लावर का रूप दे दिया, तो आप देखेंगे कि मैं इसको इस तरह से मैंने एक स्टाइल बना दिया। तो ये भी एक स्टाइल है दोस्तों, यहाँ से हम इसको स्टाइल्स को बना सकते हैं और इससे हम रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर दूँगा, डिलीट हो जाएगा। ये पॉइंट मुझे नहीं चाहिए तो इसको डिलीट करना होगा, डिलीट हो जाएगा। इस पॉइंट को मुझे डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा, इस पॉइंट को डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा इसके करने पर, या डिलीट पॉइंट को भी दबा के आप डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों मैं और इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रॉड करता हूँ। एक इस पॉइंट को लिया मैंने, इसको मैंने यहाँ बना दिया, इसको यहाँ से वापस आए और यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को यहाँ बना दिया। ऐसे ही करके दोस्तों मैंने इस पॉइंट को लिया, यहाँ पर इस पॉइंट को ऊपर ले गया, इस पॉइंट से लिया मैंने एक पॉइंट, यहाँ बना दिया दोस्तों। इस पॉइंट से हम वापस जा रहे हैं, अब जैसे मैं इस पॉइंट पर वापस आ रहा हूँ, इस पॉइंट पे लिया। अभी हम उसको भी पूरा करेंगे दोस्तों, जो हमने भी छोड़ दिया है अभी, वो भी आपको पूरा करके दिखाते हैं। इस पॉइंट को लिया यहाँ पर, इस पॉइंट को लिया मैंने यहाँ पर,
इस तरह से मैं कोई सा भी मोटिव, कहीं सा भी मोटिव इसमें अपने टाइम टू टाइम बना सकता हूँ। ये दोस्तों आपको पता लग जाएगा, आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं इस टाइम इसमें। लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है दोस्तों, इसको प्रैक्टिस करें बगैर आप नहीं समझ सकते इसको, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस कीजिए और इसमें बहुत कुछ चीज़ सीख सकते हो दोस्तों। इसके अंदर में इस मोटिव से आप पूरा डिज़ाइन विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हो। आप देख पा रहे हैं जो मैं काम कर रहा हूँ, पॉइंट भी मैंने ऊपर रख दिया और इसमें से मैंने एक पॉइंट उठाया और इसको भी यहाँ कर दिया। कुछ इस टाइप का भी मोटिव बन गया। आप देख रहे हैं लगातार ये मोटिव बनते चले जा रहे हैं, इनको आप देख रहे हैं एक पॉइंट एक ये बन गया। इस ब्लू कलर के पार्ट में मैंने जो भी बनाया वही चीज़ आपको कंटिन्यू आगे दिखाई दे रही है दोस्तों। इसको सेव करेंगे, सेव करने पर इसको सेव कर लिया और मैं यहाँ पर एक पॉइंट और एक लाइन ले लेता हूँ, F3 की लाइन ले लिया मैंने। मैं शोल्डर के रूप में एक छोटी सी चीज़ बना देता हूँ यहाँ पर, इस मोटिव को मैंने जो मैंने मोटिव बनाया है उसे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देख पा रहे हैं कि ये मोटिव अप्लाई हो गया, इसको हम ठीक कर देंगे, इक्वल कर लेंगे, हर जगह से बराबर कर लेंगे दोस्तों। ये मैं एक जस्ट आइडिया से बना रहा हूँ, आप जब इसको बनाएंगे तो पूरा मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपने जो चीज़ बनाई है वो बहुत ही एक्यूरेट और बहुत बढ़िया बन गई है। ये जब आप सूट वगैरह पे या किसी कुर्ती पे डिज़ाइन बनाएंगे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। इस सॉफ्टवेयर के अंदर में बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं जो हमारा ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे। इसको आप यहाँ रख के मिरर कर देंगे, मैंने माउस के दोनों बटन दबा के आगे मिरर कर दिया, उसको ट्रांसफॉर्म करके एक्स में मिरर कर दिया मिरर, और इस पॉइंट को उठा के मैंने इस तरीके से दोस्तों मैंने और इसको एक्सपेंड कर दिया। तो स्टाइल आप देख पा रहे हैं, प्रीव्यू बनाएंगे तो इस तरह का स्टाइल यहाँ पर दिखाई देगा। इसका कलर भी आप अलग कर सकते हैं चाहे तो, इसका कलर भी आप अलग कर सकते हैं इस तरीके से, कोई भी कलर इसमें आप अलग कर सकते हैं। आपने देखा ये कि स्टाइल बन गया, हम और भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं दोस्तों स्टाइल बना बना कर। तो हम इसमें स्टाइल को परमानेंटली सेव भी कर सकते हैं कि ये परमानेंट आपके डिज़ाइन के अंदर में स्टाइल सेव हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ये है सेव, ये है इंसर्ट पॉइंट, ये है डिलीट करने के लिए, ये है जूम, इसको आप जूम कर सकते हैं इससे बड़ा कर, इससे जूम बैक कर से छोटा कर सकते हैं। इसमें कोई मोटिव बनाया, समझ लो आपने एक मोटिव बनाया, ये एक मोटिव बना रहे हैं, इसे चेन स्टिचेस बोलते हैं, चेन स्टिचेस का मोटिव जैसे आपने बनाया दोस्तों। इसको मिरर करना है तो आप इसको ऐसे मिरर कर देंगे, इसको ऐसे मिरर करना है ऊपर नीचे, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ, मैं एक पॉइंट को बड़ा कर देता हूँ इसके आपको दिखाने के लिए, जैसे इधर है तो इसको मिरर ऊपर नीचे आप इस तरह से इसको मिरर, इसको इस मिरर को कर सकते हैं। ये है आगे पीछे करने के लिए, लेफ़्ट मूव करेगा ये, अपनी जगह से शिफ्ट करके कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, या इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर कर नीचे कर सकते हैं, इस लाइन के ऊपर बना सकते हैं। इस लाइन का मतलब है सेंटर लाइन से नीचे बनेगा, आप लाइन सीधी खींचेंगे, अगर आपने इसको ऊपर या नीचे शिफ्ट कर दिया तो उस जगह से पॉइंट बना के बनाएगा। तो ये आगे पीछे करने के लिए दोस्तों, ये मूवमेंट, ये जो इस टूल्स हैं ये अप डाउन करने के लिए हैं, ये आगे पीछे यानी मूव लेफ्ट मूव राइट है। उसके बाद दोस्तों ये है न्यू फ्रेम, न्यू फ्रेम का मतलब होता है एक ब्लू पार्ट और इसमें ऐड हो जाता है। जैसे अभी आप देखिए नीचे यहाँ पर फ्रेम लिखा है 1:1, यानी कि एक मोटिव बना हुआ है इसके अंदर, एक मोटिव का एक हिस्सा। अब मैं इसके अंदर इसको न्यू फ्रेम करता हूँ तो आप देखेंगे 2x2 हो गया, यानी कि अभी दो फ्रेम बन गए। दो फ्रेम को आगे पीछे करके देखने के लिए, जैसे मैं इस पर कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे लगता है इसको एडिट करना है मुझे, तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ यहाँ से, और मुझे अगर उसके आगे वाले ब्लॉक में काम करना है तो उसके आगे वाले ब्लॉक में काम कर सकता हूँ। इस ब्लॉक के अंदर में मुझे कुछ और बनाना है, समझ लो मुझे सीक्वेंस लगाना है इसके अंदर में, यहाँ मैं सीक्वेंस लगाना चाहता हूँ दोस्तों। सीक्वेंस भी मैंने आपको आगे और भी सारी चीज़ इसमें डिटेल देनी है सीक्वेंस की, ये एक सीक्वेंस लगाना है आपको इसमें। ऐसे इसके अंदर और मोटिव ऐड करना चाहते हैं, एक और मोटिव डाल दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ पे मैंने यही सेम मोटिव एक यहाँ बना दिया, या उसकी कॉपी भी कर सकता था मैं, यहाँ से मैंने इसमें एक स्टाइल और डाल दिया सीक्वेंस का, इसमें सीक्वेंस नंबर 2 डाल दिया, छोटा सीक्वेंस डाल दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप और स्टाइल बना सकते हो, जितने मर्जी स्टाइल, 99 मोटिव्स आप इसमें तैयार कर सकते हो।
तो इसका मतलब है नया मोटिव बनाने के लिए जितने मोटिव डालते जाएंगे उतने फ्रेम होते चले जाएंगे। आप देख रहे हो नीचे पहला ये वाला मोटिव चला हुआ है, फिर ये हमने ये चलाया है, फिर ये चलाया है। उसके बाद दोस्तों इनमें जिस मोटिव पे आप एडिट करना चाहते हैं इससे आगे फ्रेम इससे पीछे फ्रेम करके चेक कर सकते हैं। अब मुझे इसकी कॉपी फ्रेम करना है तो यहाँ पर इसका कॉपी फ्रेम ऑप्शन दिया हुआ, कॉपी फ्रेम जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो ये दो फ्रेम हो जाएंगे। अब मैं इसको एक को उल्टा को सीधा कर देता हूँ, आप देखेंगे मैंने अब चार फ्रेम पाँच फ्रेम बना दिए, एक दो तीन चार, चार फ्रेम हो गए। अब मैं इसके अंदर एक एक और डालना चाहता हूँ तो मैंने और क्लिक कर दिया, इसको मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पर, तो आप देखेंगे पाँच फ्रेम हो गए, एक दो तीन चार पाँच। अब मैं चाहता हूँ कि इसके भी दो फ्रेम बने तो इस पॉइंट को मुझे सेंटर ब्लू पार्ट में लेके आना पड़ेगा। इस पार्ट में लेके आए, कॉपी फ्रेम किया और इसको मैंने मिरर कर दिया, आप देखेंगे छः फ्रेम हमारे यहाँ पे रेडी हो गया। तो अभी आपने देखा दोस्तों सबसे पहले सेव है, फिर इंसर्ट पॉइंट है, दो पॉइंटों के बीच का पॉइंट उठ जाएगा जहाँ से आपको लगाना है, वो चीज़ आप क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड से क्लिक करते जाएंगे वहाँ बन जाएगा ये। उस पॉइंट को डिलीट करने के लिए पॉइंट पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कीबोर्ड पे जो एरो दिए हैं उससे आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं उससे। जूम इन जूम आउट है, उसके बाद मिरर है दोस्तों, उस मोटिव को मिरर बना के कर सकते हैं। इससे आप लेफ़्ट इससे राइट मूव कर सकते हैं, इससे ऊपर इससे नीचे मूव कर सकते हैं दोस्तों, इससे नया फ्रेम नया मोटिव बना सकते हैं उसी फ्रेम के अंदर। फिर इसके अंदर में कॉपी फ्रेम कर सकते हैं दोस्तों, इससे जो हमने मोटिव बनाया है उसको या उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं उस फ्रेम को हम ब्लू वाले पार्ट पर लेके आ सकते हैं आगे पीछे करके। जो मुझे फ्रेम इसमें नहीं चाहिए, समझ लीजिए मैं इसमें ये वाला फ्रेम नहीं चाहता कि ये ना आए इसके अंदर, तो मैं इस फ्रेम को भी डिलीट कर सकता हूँ। मैं डिलीट कर दिया तो अपना सिर्फ सीक्वेंस स्टाइल रह गया इसके अंदर में। उसके बाद दोस्तों ये सीक्वेंस है, जिस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे सीक्वेंस को ड्रॉप कर दूंगा वो सीक्वेंस आ जाएगा। ये सीक्वेंस वन है, ये सीक्वेंस टू है। इसके अंदर में क्या होता है दोस्तों, सीक्वेंस टू को लाने के लिए बीच में इसको सेंटर में लेके आया और मैंने यहाँ ला के सीक्वेंस टू को अप्लाई कर दिया। जिस सीक्वेंस को मैं अप्लाई कर दूंगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे मैं इसमें यहाँ इसको लेके आया, यहाँ पे मुझे दो सीक्वेंस चाहिए है तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। हम कहीं पर भी कोई सा भी सीक्वेंस एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, तो मैंने इसके अंदर सीक्वेंस टू लगा दिया इधर भी, और इसके अंदर में मुझे सीक्वेंस ये वाला चाहिए सीक्वेंस वन, तो आप देखेंगे मैंने सीक्वेंस टू सीक्वेंस वन सीक्वेंस टू सीक्वेंस वन लगा के ओके कर दिया। ये दोस्तों निर्लभ है, इसका कोई यूज़ नहीं होता। वैसे इसके अंदर हम शिफ्टली मशीन में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा मल्टी हेड में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों ये स्टॉप कलर है, स्टॉप कलर से हम सिंगल कलर के अंदर कहीं भी रोक सकते हैं मशीन को, फिर डंडा मारने पर मशीन चलेगी। उसके बाद दोस्तों ये है सीक्वेंस साइज़, हमें जितना सीक्वेंस साइज, इसमें दो तरह के सीक्वेंस साइज़ दिए होते हैं, एक दिया 50 mm, 50 का मतलब है 5 mm का सीक्वेंस, और 30 का मतलब 3 mm का सीक्वेंस। ये केवल दोस्तों देखने के लिए, 50 की जगह मैं यहाँ पे 70 कर दूंगा तो वो केवल दोस्तों यहाँ दिखाई देगा 70 mm का, बड़ा हो गया, आप देख रहे हैं ना बड़ा हो गया, तो बड़ा दिखाई देगा। जब एक्चुअल जो मशीन पर सीक्वेंस लगे होते हैं उसी चीज़ को ड्रॉप करता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने आपको ये टूल बार में स्टाइल स्टिचेस बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिज़ाइनिंग के लिए, इससे डिज़ाइन को आप बना बना के हल्का कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में यहाँ पर ये सेव हो गया डिज़ाइन आपका स्टाइल का। तो मैंने अब इसमें एक स्टाइल बना रहा हूँ, मुझे नेक के पीछे का हिस्सा या कोई इसके पीछे कोई एक और चीज़ बनानी है तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कैरी बना दी, कैरी मतलब आम का रूप होती है दोस्तों, और इसको मैं इसके अंदर मल्टीपल सीक्वेंस चला देता हूँ। ये जहाँ पे मोटिव छोटा दिखाई दे रहा है कई जगह पे छोटा हो गया, तो आप यहाँ से जब इंक्लाइन को यस करेंगे तो अपने आप सारे मोटिव बराबर हो जाएंगे। और यहाँ से मैं इसमें स्टाइल को लोड कर देता हूँ, मैंने स्टाइल बना दिया, आप देखेंगे इस टाइप का स्टाइल बन गया। अब इसके अंदर जो जो चीज़ मैं बनाता जाऊँगा वो चीज़ यहाँ पे आती चली जाएगी। जैसे कि मैं इसको ले रहा हूँ और मैंने इसको कॉपी फ्रेम करके नीचे अंदर बना दिया छोटा सा पार्ट, इसके अंदर कोई और स्टाइल डालना है वो डाल दिया मैंने। इस पॉइंट को मैं मूव कर देता हूँ, और इस पॉइंट को रख के मैं टू लाइन कर दिया। दोस्तों मैं राइट हैंड साइड की माउस जो मैं कर रहा हूँ इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि मैं अभी इसको आपको क्लियर करूँगा तब आपको पता लग जाएगा ये क्या है और कैसे है। मैं इसमें से कुछ भी ऐसा कोर्स में नहीं है दोस्तों जो आपको नहीं बताऊँगा, आप इसको ध्यान से देखें। जैसे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स अब तक ये कोर्स करके जा चुके हैं दोस्तों, और उन्हीं की रिक्वेस्ट थी कि इसको बनाया जाए डिज़ाइन के अंदर कुछ इस टाइप का दिखाया जाए कि जिससे कि वो लोग आराम से समझ पाएँ, या इंटरनेट पर
लोग जो नहीं कर सकते हैं कोर्स पैसे देके वो इस चीज़ को सीख सकें। देखिए दोस्तों, इसके अंदर आप जो मर्ज़ी चीज़ बनाते जाइए और वो क्लियर होता चलेगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप नॉर्मल वे में भी बना सकते हैं। आपको क्लिक किया, कॉपी पेस्ट किया और आपने यहाँ से इसको ऑफसेट माइनस कर देंगे तो ये अपने आप ही, सॉरी, इसको सिलेक्ट किया, इसको अंदर कर दिया और यहाँ पे उस मोटिव को के ऊपर में आपने एक्सचेंज कर दिया, मोटिव ये डाल दिया और उसको अंदर और शिफ्ट कर देते हैं। जैसे देखें इस तरह से आप इसको जो मर्जी स्टाइल इसमें बना के आप इसको रेडी कर सकते हैं। ये ब्लाउज़ के पीछे या टॉप के पीछे या नेक के पीछे आप बना सकते हैं। इसको छोटा बड़ा करना है तो सिलेक्ट करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने सीखा न्यू एडिट का मतलब है, अगर मैं इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया हुआ और मैं यहाँ जाके अगर एडिट करूँगा तो ये मेरा मोटिव खुल जाएगा। जो मुझे चाहिए वो मैं रखूँगा, जो मुझे नहीं चाहिए होगा मैं हटा दूँगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर 70 की जगह मैंने इसको कर दिया 50, 50 mm का सीक्वेंस और इसको सेव कर दिया तो ये उसी पे ओवरलैप हो जाएगा और ये डिज़ाइन जो कॉपी फ्रेम किया वो हो जाएगा। इसके बाद है डुप्लीकेट डिज़ाइन, जो मैं जैसे मैं इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहता हूँ या इसके अंदर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट किया, यहाँ कॉपी फ्रेम जैसे ही करेंगे और इसके अंदर मैंने एक मोटिव और बना दिया, समझ लीजिए ये मैं एक मोटिव बना देता हूँ इसके अंदर। ये एक मैंने मोटिव बना दिया, इसको मैंने सेव कर दिया तो आप देखेंगे एक तो ये मोटिव सेव है, दूसरे का कॉपी नेम्स आ गया स्टार का। स्टार की जगह पे आप इसको 2, 3 जो मर्जी इसका स्टार नेम कर देंगे उस चीज़ को भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए ये नॉर्मल एक चीज़ नज़र आ रही है और उसके पीछे ग्रे कलर की एक इमेज नज़र आ रही है पिक्चर जैसी। तो आप जैसे फोटो नेगेटिव होता है वैसे दोनों तरफ होल्स और एक बीच में मोटिव, इसका पीछे ग्रे इमेज आने का मतलब ये है कि इसमें मल्टी मोटिव्स हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये रीनेम है, इसको रीनेम कर सकते हो, नेम डालना चाहते हो रीनेम कर सकते हो, डिलीट करना है इस मोटिव को डिलीट कर सकते हो, डिलीट कर देंगे तो मोटिव हट जाएगा यहाँ पे आपका, अगर आपने इसमें डाला हुआ है तो ठीक है, नहीं तो ये मोटिव डिलीट हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना, वीडियो काफ़ी है दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझें और मैं एक बार आपको थोड़ा सा और, उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये रीनेम है, डिलीट है। तो आज मैंने आपको एडिट टूल बार मैंने आपको यानी कि स्टाइल एडिटर मैंने आपको आज पूरा समझाया दोस्तों। आप उसको ध्यान से देखें, समझें कि ये कैसे बना, कैसे हमने इसमें डिज़ाइन तैयार किया, किस तरह से किया। दोस्तों आप इसको देखिए और इसमें अगर कुछ कमी पेशी हो तो मुझे आप ज़रूर बताएँ कमेंट्स में, मैं इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर हमारा चैनल अच्छा लगे और मेरी बात आपको समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है जिससे कि आप सीख पा रहे हैं कुछ, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू।